हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी ममता किशन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम ये मूंग दाल का हलवा बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप धुली हुई मूंग दाल ली है ग्राम में है लगभग 200 ग्राम के करीब क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे आपको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके लेना है मैंने यहाँ पर ये 5 से 6 घंटे पहले ही ये दाल भिगो करके रख दी थी ये जो दाल है वो एकदम अच्छे से भीग गई है एकदम अच्छे से गल गई है और अब हम इसे छान लेते हैं इसका पानी निकाल लेते हैं एकदम अच्छे से पानी निकाल लेने के बाद यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है इसमें हम इस दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे दोस्तों आप को इसे एकदम बारीक पीस लेना है लेकिन हल्का सा दरदरा रखना है ऐसा नहीं एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है आपको हल्का सा दरदरा रखना है जिससे आपका हलवे का जो टेक्स्चर रहेगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा तो मिक्सर को बीच बीच में रोक कर चलाते हुए मैंने इसका एक अच्छा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है अच्छे से पीस लिया है मैंने इसमें एक से दो चम्मच पानी भी ऐड किया था जिससे ये आसानी से पीस जाए और आप देख पा रहे हैं एकदम अच्छे से ये पीस करके तैयार हो गई है अब आपको घिस पर लेनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में आपको सबसे पहले ऐड करना है देसी घी देसी घी में ये हलवा बहुत ज्यादा अच्छा बन करके तैयार होता है बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और हमारी हेल्थ के लिए भी हेल्दी रहेगा तो मैंने यहाँ पर एक बाउल घी लिया है जितनी आपने दाल ली है उतना ही आपको घी लेना है बराबर क्वांटिटी में लेना है एक बार मैं थोड़ा डाल रही हूँ बाद में जरूरत हुई तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे आप चाहें तो एक साथ में सारा डाल सकते हैं तो घी ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मूंग दाल को पीस करके पेस्ट बना करके तैयार किया था उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इस घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस मूंग दाल के हलवे को बनाना लेकिन कुछ पेशेंस के साथ आप इस हलवे को आसानी से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा तरीका बहुत आसान है बस इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब ये हम इसमें मूंग दाल का ये पेस्ट ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है स्टार्टिंग में जब तक ये पक नहीं जाता तब तक ये कढ़ाई पर बहुत ज़्यादा लगता है और हाँ जैसे ही आप इसमें ये मूँग दाल का पेस्ट ऐड कर लें तब आपको इसे लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि ये ज़्यादा चिपकता है अगर आप इसकी थोड़ी सी भी हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल भी जाएगा इसलिए आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है ताकि नीचे लगे तो जले ना और एकदम तो अच्छे से पक जाए जैसे जैसे हमने इसे मिक्स किया है और कुछ ही देर में आप देख पा रहे हैं कि इस पेस्ट ने सारा घी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और कितना ड्राई हो गया है तो कुछ देर के बाद हम इसमें थोड़ा घी और ऐड कर लेंगे ऐसे ही आपको इसमें पूरा घी ऐड कर लेना है आप चाहें तो पूरा घी एक साथ भी ऐड कर सकते हैं इसे हमें पकाने में लगभग 30 मिनट लगेंगे क्योंकि हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं और दाल को पकने में वैसे ही ज्यादा टाइम लगता है तो तब तक आपको इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाना है और जब ये एकदम अच्छे से पक जाएगा तो ये एकदम लिक्विड हो जाएगा ये मिक्सचर और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी पकने की और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो तब तक आपको इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहना है जब तक ये पक कर के तैयार होता है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस पर एक पतीला लिया है और इसमें आपको ऐड करनी है चीनी जितनी आपने दाल ली थी घी लिया था उतनी ही बराबर क्वांटिटी में आपको चीनी लेनी है तो मैंने यहाँ पर एक कप यानी कि 200 ग्राम चीनी ली है और चीनी के बराबर ही आपको इसमें पानी ले लेना है जिस भी मेजरमेंट से आप चीनी ले रहे हैं उसी मेजरमेंट से आपको पानी लेना है पानी आपको कम ज्यादा नहीं करना है बराबर क्वांटिटी में लेना है जिससे आपकी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी और परफेक्ट हलवा बनाने के लिए आपको परफेक्ट चाशनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुछ ही देर में आप देखेंगे जो चीनी है वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद आपको इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है सिर्फ एक मिनट ही पकाना है चीनी के मेल्ट होने के बाद और साथ ही हम इसमें कलर ऐड कर लेंगे मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ जो नॉर्मली बेसन की बर्फी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसके बिना भी ये मूंग दाल का हलवा बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा बस इससे हल्का सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं और दूसरी तरफ जो हमने हलवा बनाने के लिए रखा हुआ था दाल जो है वो एकदम अच्छे से पक चुकी है आप देख सकते हैं कितनी लिक्विड हो चुकी है और इसने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है और इसका हल्का कलर चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पकने की तो अब आपको इसमें ऐड कर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश ऐड किया है ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसी के साथ भून लेते हैं इस तरह से चलाते हुए और लगभग एक मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से भून लें और जब एक मिनट हो जाता है तब आपको इसमें ऐड करना है जो चाशनी आपने बना करके तैयार की थी वो आपको इसमें चाशनी ऐड कर लेनी है एक साथ में पूरी चाशनी ऐड नहीं करनी है थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पूरी चाशनी ऐड कर ली है और आप देख पा रहे हैं पूरे चाशनी को इसने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है इसमें तो अब आपको इसमें बाकी का बचा हुआ जो एक से दो चम्मच घी बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से हलवा बनाना बहुत ज्यादा ईजी रहता है बस ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जब बनने के बाद ये आप हलवा खाएंगे ना तो सब कुछ वर्थ इट हो जाएगा और बहुत ही मजा आएगा आपको चाशनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग एक से दो मिनट तक पका लें और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे दो मिनट तक पका लेने के बाद और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है खोया मैंने यहाँ पर 200 से 250 ग्राम के करीब ये खोया लिया है जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है आप चाहें तो ये हलवा बिना खोए के भी बना सकते हैं लेकिन खोए डालने से इस हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा तो खोए को आपको गर्म कढ़ाई में ही इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा इसका फ्लेवर इसमें आप चाहें तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं या फिर कोई एसेंस भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो ये लीजिए दोस्तों ये जो मूंग दाल का हलवा है वो बन करके तैयार हो गया है बहुत ज़्यादा डिलीशियस हलवा बना है और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ये हलवा बनाना बताया है और अगर आप सेम इस तरह से ये हलवा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हलवा बनेगा और आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा तो जल्दी से जाइए अपने किचन में और इसे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो फ्रेंड्स आप इस टेस्टी और स हलवे का मजा लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय